हेलो माय फूडीज, वेलकम बैक इन अदर रेसिपी ऑफ रमज़ान सीरीज़। तो आज मैं रमज़ान सीरीज़ में बहुत ही मज़ेदार सी, आसान और बजट फुल रेसिपी लेके आ चुकी हूँ, जिसको आप इफ्तार पे बनाएंगे तो आपकी इफ्तारी पे लग जाएंगे चार चांद और खाने वाले खाते ही रह जाएंगे। मज़ेदार से समोसा स्नैक्स किस तरीके से बनेंगे, चलें जी बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं और रेसिपी की तरफ चलते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम डो तैयार कर लेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए 2 कप मैदा। अब हम इसमें जो है ना थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे 2 पिंच के करीब, और साथ ही में हम इसमें जो है ना साबुत ज़ीरा भी शामिल कर देंगे। इससे जो है ना समोसों में, स्नैक्स में बहुत ही मज़े का फ्लेवर आता है, तो आपने इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। ज़ीरा शामिल करने के बाद हम इसमें जो है ना कुकिंग ऑयल शामिल कर लेंगे। आप चाहें तो इस जगह पर घी भी शामिल कर सकते हैं। तकरीबन 3 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया है। अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसमें जो है ना थोड़ा थोड़ा सा वाटर ऐड करते जाएंगे और इसकी जो है ना सख्त सी डो लगा लेंगे। हमने डो जो है ना सख्त गूंदनी है ताकि हमारे जो स्नैक्स हैं, जो हमारे समोसे हैं, वो क्रिस्पी और खस्ता बने। जितनी डो आपकी जो है ना सख्त होगी, उतने ही आपके जो है ना स्नैक्स बहुत ही खस्ता बनेंगे। अगर आपकी डो सॉफ्ट हो जाएगी ना, तो फिर जो है ना उतना जो है ना क्रिस्पीपन नहीं आएगा। तो आपने जो है ना थोड़ा थोड़ा सा पानी शामिल करके इस तरीके से जो है ना सख्त सी डो गूंद लेनी है। तो यहाँ पर देखिए मैंने जो है ना डो रेडी कर ली है और आप देख सकते हैं ये जो है ना अच्छी खासी सख्त है। अब हम क्या करेंगे, इसको जो है ना रेस्ट पर रख देंगे तकरीबन 15 मिनट के लिए या फिर 10 मिनट के लिए। तो जब तक डो सेट होती है तब तक हम जो है ना इसकी फिलिंग रेडी कर लेंगे। तो फिलिंग रेडी करने के लिए हम पैन में शामिल कर देंगे कुकिंग ऑयल तकरीबन 3 से 4 टीस्पून के करीब। कुकिंग ऑयल शामिल करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे प्याज। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी, जिसको अच्छे तरीके से चॉप कर लिया है। चॉप करने के बाद आपने जो है ना प्याज को पैन में शामिल कर देना है। अब हम जो है ना प्याज को थोड़ा सा मिक्स करेंगे, थोड़ा सा सोते करेंगे। हमने प्याज के कलर को चेंज बिल्कुल भी नहीं करना, हमने जस्ट इसको थोड़ा सा मिक्स करना है अराउंड 30 से 40 सेकेंड्स के लिए, ताकि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पर देखें ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो चुका है, तो इसी टाइम पर हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। तो स्पाइसेस कुछ यूँ हैं, 1/2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1/4 टीस्पून हल्दी, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून गरम मसाला और 1/2 टीस्पून साबित ज़ीरा, 1/2 टीस्पून साबित धनिया पाउडर, और जो है ना साथ ही में 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड कर लेंगे। और सारी स्पाइसेस शामिल करने के बाद इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा मीडियम टू लो कर लेंगे, ताकि हमारे मसाले जले भी ना और इनके अच्छे तरीके से बुनाई भी हो सके। तो मसालों की अच्छे तरीके से बुनाई करने के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे बॉयल किए हुए आलू। तो यहाँ पे जो है ना मैंने 3 बड़े साइज़ के आलू लिए थे, जिसको बॉयल करके अच्छे तरीके से जो है ना मैश कर लिया है। अब जो है ना इसको डालने के बाद इसकी अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लेंगे, ताकि सारे स्पाइसेस आलू में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। और जनाब, आपको मेरी जो है ना रमज़ान सीरीज़ वाली रेसिपीज़ कैसी लग रही है, कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। मैंने आपके लिए जो है ना अभी तक जितने रोज़े गुजर चुके हैं, आपके लिए बहुत ही मज़े मज़े की रेसिपीज़ शेयर की है, बजट फुल रेसिपीज़ शेयर की है। बिल्कुल आप भी खुश हो जाएंगे और आपका पॉकेट भी खुश हो जाएगा। अगर आपने वो रेसिपीज़ नहीं देखी तो जल्दी से मेरे चैनल पर जाएँ और जो है ना रमज़ान सीरीज़ की रेसिपीज़ इंजॉय करें। तो यहाँ पर देखें, मिक्स करने के बाद हमने इसमें जो है ना 1 अदद लेमन भी शामिल कर दिया है। लेमन के जूस को अच्छे तरीके से निचोड़ के हमने इसमें शामिल कर दिया। अब हम जो है ना इसमें कुछ हरी चीज़ें ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जो है ना 2-3 हरी मिर्चें ऐड कर लेंगे, बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड कर लेंगे और बारीक कटा हुआ पुदीना भी शामिल कर देंगे। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद अगेन इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि सारी चीज़ें आपस में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए और इनका फ्लेवर अच्छे तरीके से आलुओं में आ सके। तो यहाँ पे हमने जो है ना सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर ली है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मज़ेदार सी चटपटी फिलिंग बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप इस फिलिंग के साथ जो है ना शामी कबाब भी बना सकते हैं, बहुत ही मज़े के बनते हैं, एक बार ट्राई करके देखिएगा। तो चलें जी, फिलिंग तो रेडी हो चुकी है, चलें चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पे 10 मिनट तकरीबन गुजर चुके थे और हमारी डो अच्छे तरीके से सेट हो चुकी है। चलें जी, अब जो है ना इसके छोटे छोटे से पेड़े रेडी कर लेंगे। जितनी साइज़ की आप जो है ना स्नैक्स बनाना चाहें, उतनी साइज़ का आपने पेड़ा लेना है। तो ये देखिए, इसी तरीके से बाकी भी पेड़े रेडी कर लेंगे और फिर हम जो है ना इसकी बिल्कुल पतली सी रोटी बेल लेंगे। तो जिस तरीके से हम रोटी बेलते हैं ना, सेम उसी तरीके से आपने इसकी रोटी बेलनी है, पर बिल्कुल बारीक सी होनी चाहिए, बिल्कुल पतली होनी चाहिए। जितना आप इसको बड़ा कर सकते हैं, उतना आपने इसको बड़ा करना है। तो यहाँ पे हमने बिल्कुल बारीक सी रोटी बेल ली है। अब जो है ना इसके इस किनारों को कटिंग कर लेंगे और बिल्कुल जो है ना स्क्वायर शेप हमें चाहिए। ठीक हो गया, तो यहाँ पे हमने स्क्वायर शेप कटिंग कर लिया है। अब हम जो है ना इसके चारों साइडों को इस तरीके से कटिंग कर लेंगे, पर इनको हमने अलग अलग बिल्कुल भी नहीं करना, बीच में जो है ना थोड़ी सी जगह रहने देनी है।
चलें जी, कटिंग करने के बाद जो है ना, हमने अभी जो फिलिंग रेडी की थी आलू वाली, वो इस तरीके से एक साइड पर रख देंगे। ठीक हो गया। सिर्फ आपने एक साइड पर ही फिलिंग ऐड कर लेनी है और फिर जो है ना, आपने वाटर के साथ इस तरीके से इसको ब्रश कर लेना है ताकि ये ईजिली आपस में चिपक सके। ठीक हो गया। चलें जी, अब जो है ना, ये वाली साइड आपने इस तरीके से कर देनी है और किनारों को आपने अच्छे तरीके से बंद कर लेना है फिंगर की हेल्प के साथ, अच्छे तरीके से प्रेस करते हुए। तो यहाँ पे देखें, ये भी हो चुका है। यहाँ पे जो बाकी की दो साइडें बचती हैं उनकी हमने जो है ना अभी कटिंग करनी है, ताकि जो है ना इसका प्यारा सा शेप आ सके और इसका जो लुक आएगा ना वो इसी के साथ ही आएगा। तो इस तरीके से आपने इसकी बारीक बारीक सी पट्टियाँ कटिंग कर लेनी है और इनको जो है ना बिल्कुल अलग नहीं कर देना। ये देखिए, मैं इस तरीके से कर रही हूँ और जो है ना लास्ट में थोड़ा सा जो मैदा है वो मैं रहने दे रही हूँ। तो इस तरीके से हम कर लेंगे, फिर जो है ना इसको मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको कवर किस तरीके से करना है। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद हम जो है ना इसके ऊपर वाटर के साथ ब्रश कर लेंगे और फिर जो है ना एक एक साइड इस तरीके से उठाते जाएंगे, एक साइड इस तरीके से इस साइड से और एक जो है ना इस तरीके से इस साइड से। तो इस तरीके से जो है ना एक एक करते हुए हम इसकी पट्टियाँ इस तरीके से रखते जाएंगे और हमारा प्यारा सा डिज़ाइन, प्यारा सा शेप इसका बनता जाएगा। तो बिल्कुल यूनिक तरीके से मैंने आपको जो है ना ये रेसिपी सिखाई है, तो आप एक बार लाजमी ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह जब आप इसको बनाएंगे ना तो आपके घर वाले बहुत ही हैरान रह जाएंगे और आप इसको अगर टी टाइम पर बनाएँ, अगर इफ्तार पार्टी पर बनाएँ तो भी बहुत मज़े के लगते हैं और जो है ना आपके दस्तरखान पर बहुत ही प्यारा सा लुक देते हैं। और दूसरी बात यह कि ये जो रेसिपी है वो बजट फुल और पॉकेट फ्रेंडली रेसिपी है, तो आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। तो ये देखें, प्यारा सा शेप इसका रेडी हो चुका है। तो इसी तरीके से बाकियों को भी रेडी कर लेंगे, फिर हम इनको फ्राई कर लेंगे। तो सारे स्नैक्स हमने रेडी कर लिए थे, चलें अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल जो है ना पैन में डाल दिया है, इसको अच्छा खासा गर्म कर लेंगे, फिर हम इसमें जो है ना स्नैक्स ऐड कर लेंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते जाएंगे और इस तरीके से स्नैक को जो है ना ऑयल में डालते जाएंगे और इनको अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। फ्लेम आपने यहाँ पर मीडियम टू लो रखना है ताकि इसमें जो है ना क्रिस्पी और क्रंचीपन आ सके। और जब ये एक साइड से पक जाए ना तो फिर आपने इनकी साइड को चेंज कर लेना है और दूसरी साइड से भी आपने इनको गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मज़ेदार से स्नैक्स खाने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो इनको जो है ना आपने गर्मा गर्म सर्व कर लेना है। तो ये थी आज की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। होप्स हो कि आज की रेसिपी आप सबको बहुत पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक इट सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, फिर मिलेंगे एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। हमेशा हंसते मुस्कुराते और मेरी रेसिपीज को लाइक करते रहें। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, लव यू ऑल।